आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है प्रभात तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों जैसा कि मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 का फिजिकल की परीक्षा चल रही है और डेली दोस्तों मैं वजीराबाद ग्राउंड और आपका NPL गर्ल्स ग्राउंड पर डटा हुआ हूं और पल पल की अपडेट दे रहा हूं। दोस्तों इसी को लेकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती फिजिकल परीक्षा को लेकर दोस्तों दिल्ली पुलिस ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो दोस्तों हम आपको दिखाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या जारी किया है। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुँचता रहे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एक महासर्वे, दोस्तों महासर्वे अभियान चल रहा है 10 दिनों से। दोस्तों मैं इस सर्वे अभियान में भाग ले रहा हूँ और आपके कमेंट के देख रहा हूं, आपके कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूं। दोस्तों आपको करना है, जो लोग बच गए हैं दोस्तों इस मुहिम में जुड़िए, कट ऑफ की दोस्तों एक प्रॉपर वीडियो आपके तैयार हो रही है। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नंबर मेंशन करना है, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं और कितने नंबर आपके बने हैं और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये भी लिखना मतलब भूलिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं प्लीज जनरल लिखिए, यदि आप SC से बिलोंग करते हैं तो SC लिखिए। प्लीज अपनी कैटेगरी मेंशन करना ना भूलिए। और दोस्तों यूट्यूब के इतिहास की सबसे बड़ा महासर्वे हो चुका है, 6000 से अधिक लोगों ने अपने सर्वे दिया है, फीडबैक दिया है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जब भी दोस्तों मैं 25 तारीख का आपका कट ऑफ का वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस ने दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बताया है। तो दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का दोस्तों फिजिकल पोस्टपोन हुआ है, दोस्तों जिनका फिजिकल पोस्टपोन हुआ है दोस्तों उनकी डेट आ गई है, प्लीज़ अपनी डेट देख लीजिए। जिनका फिजिकल दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिनका फिजिकल 19 जुलाई 2021 को था उनका पोस्टपोन करके 28 जुलाई 2021 कर दिए, यहाँ पर 2022 गलती से लिख दिया गया हूँ दोस्तों, इसके लिए सॉरी। जिनका फिजिकल 19 जुलाई 2021 को था उनका 28 जुलाई 2021 को पोस्टपोन करके कर दिया गया है। और दोस्तों ये नोटिस आपको मिल जाएगी, जो वजीराबाद ग्राउंड पर आ रहे हैं दोस्तों उनको नोटिस मिल जाएगी सामने आपको वहाँ पर, ठीक है। सामने दोस्तों बोर्ड पर आपको एक लिस्ट चपकी मिलेगी, उस पर लिख दिए हैं पोस्टपोन हो गया फिजिकल और डेट मेंशन कर दिए हैं। तो ये नोटिस अगर आप वजीराबाद ग्राउंड पर आएंगे या फिर NPL गर्ल्स ग्राउंड पर आएंगे तब वहाँ पर ये नोटिस आपको मिल जाएगी। अगला दोस्तों दिखा देते हैं आपको, 20 जुलाई को जिनका फिजिकल था, ठीक है, वजीराबाद ग्राउंड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिनका फिजिकल 20 जुलाई 2021 को था वजीराबाद ग्राउंड पर उनका पोस्टपोन कर दिया गया है दोस्तों 29/7/21 को, ठीक है, 29/7/2021 को पोस्टपोन कर दिया गया है। और दोस्तों एक बहुत ही बड़ी सूचना आ रही, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे क्या RT-PCR दोबारा कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था कि क्या RT-PCR दोबारा कराना पड़ेगा। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया दोस्तों कि 72 घंटे से पुराना आपका RT-PCR नहीं है, जिनका दोस्तों फिजिकल है वो 72 घंटे के अंदर का RT-PCR चलेगा, तो प्लीज़ आप लोग RT-PCR दोबारा के करा कर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया वजीराबाद ग्राउंड का, जिनका 20 को फिजिकल था उनका पोस्टपोन, यानी आज का जिनका फिजिकल था उनका पोस्टपोन करके 29/7 को कर दिया गया है। आप चलते हैं दोस्तों पीटीएस झरोदा कलान का देख लेते हैं, पीटीएस झरोदा कलान का क्या हाल है, ठीक है। तो पीटीएस झरोदा कलान की बात करते हैं तो यहां पर 19/7/2021 को जिनका फिजिकल था उनका 27/7/2021 को फिजिकल पोस्टपोन करके कर दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जिनका फिजिकल 20/7, ठीक है, यानी आज जिनका फिजिकल था उनका पोस्टपोन करके 28 जुलाई 2021 को कर दिया है, ठीक है। यहां से दोस्तों और सभी को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी RT-PCR रिपोर्ट दोस्तों उनकी 72 घंटे से पुरानी नहीं होगी, ये दोस्तों आपको नोटिस में देखने को मिल जाएगा, वहां पर जो नोटिस चस्पा किए हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी RT-PCR रिपोर्ट आपकी 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं NPL गर्ल्स ग्राउंड की, बात करते हैं गर्ल्स की दोस्तों फिजिकल कब कब होगा, तो 19/7/2021 का जिसका फिजिकल था उनका पोस्टपोन करके 29/7 को कर दिया गया है। NPL गर्ल्स ग्राउंड की बात करते हैं और गर्ल्स से निवेदन है कि जो अपना RT-PCR है, ठीक है, RT-PCR को फिर से करा लीजिए, 72 घंटे पुराना नहीं चलेगा। काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं उनको साफ साफ बताना देना चाहता हूं, 72 घंटे पुराना आपका RT-PCR नहीं चलेगा। अगली बात कर लेते हैं 20/7 को कहां पोस्टपोन किया गया है, तो 20/7 वाले का फिजिकल, जिनका गर्ल्स का बात करता हूं, गर्ल्स का फिजिकल जिनका 20 का था उनका आज, यानी जिनका आज था उनका 30 जुलाई 2021 को यहां पर पोस्टपोन कर दिया गया है। तो दोस्तों यही थी न्यूज, और दोस्तों प्लीज आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो यूट्यूब के इतिहास का महासर्वे अभियान चल रहा है प्लीज इसमें भाग लीजिए। मैं डेली आपको आप लोगों के कमेंट ले रहा हूं और आपके कमेंट को मैं स्क्रीनशॉट करके दिखा रहा हूं कि कितना दोस्तों आपके मार्क्स बन रहे हैं और कट ऑफ की एक प्रॉपर वीडियो तैयार कर रहा हूं, तो इस सर्वे में भाग लीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने कमेंट मेंशन करिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, जितने भी मार्क्स बन रहे हैं प्लीज़ मार्क को मेंशन करना मत भूलिए और अपनी कैटेगरी भी मेंशन करिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है तो जनरल लिखिए, OBC हैं तो OBC लिखिए, ठीक है, SC से बिलोंग करते हैं तो SC लिखिए, जो भी आपकी कैटेगरी वो लिखिए। और प्लीज़ ये भी लिखना ना भूलिए कि आपका फिजिकल किस दिन था और कितने आपके ग्रुप से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए।
हुए थे। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस की पल पल की अपडेट दोस्तों हम वजीराबाद ग्राउंड से दे रहे हैं, जरोदा कलान ग्राउंड से दे रहे हैं और NPL गर्ल्स ग्राउंड से दे रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जितने भाई का फिजिकल पोस्टपोन हुआ है, जो नहीं आ पाए थे, जिनको पता था कि आज नहीं होगा, उन तक ये बात पहुँच जाए और वो अपने फिजिकल की डेट जान।